हेलो गाइस, चैनल टू माय वेलकम। सो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि पॉज कैसे देते हैं और किसी भी बैकग्राउंड को रियलिस्टिक लुक कैसे देते हैं और कैसे फोटोशूट करते हैं, तो आप आज दिखाने वाला हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए हम फोटोशूट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं छत के ऊपर और एक स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको भी, ठीक है। तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ और उसके साथ ये यूज़ करेंगे जो कि हम ट्री लगाते हैं ना घर पे, रख सभी के घर में होता है शायद। नहीं ये वाला हम यूज़ करने वाले हैं और इसको पैर के जो बाइक का जो पैर फुट रेस्ट होता है ना वैसे सपोर्ट के लिए, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये छोटा वाला लेंस यूज़ करना होगा और ये है 18-55 mm वाला लेंस है। और सभी लोग पूछते हैं मेरा कैमरा कौन सा है, तो आप लोग खुद ही देख लो। अभी मेरे पास कैनन का 700D है, बहुत पुराना वाला मॉडल है और खुद ही देख सकते हो इसका कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है और शायद मुझे लगता है दूसरा वाला कैमरा लेना पड़ेगा। और सबसे पहले एक्चुअली आपको ये वाला लेंस ऐड करना है, लगाना है, ठीक है, तभी उसको हम फोटो क्लिक कर सकते हैं लो एंगल से। तो ठीक है, चलो हम चलते हैं फोटो शूट करते हैं अभी। सो गाइस, हम आ चुके हैं फोटोशॉप पर, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग मुझे पूछोगे कि ये मैं बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड किया था, ठीक है। तो एक्चुअली मैं ये अनस्लैप से किया था, बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके इस साइट के बारे में। तो ये स्टॉक मैं वहाँ से डाउनलोड किया था, वहाँ पर बहुत सारा स्टॉक फ्री में मिल जाएगा, बहुत ही हाई क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना और चलो इसको हम लेकर चलते हैं फोटोशॉप पर, ओके। अब उसके बाद मेरा जो फोटो है उसको भी लेके चलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर फाइल में जाके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ओके। अब उसके बाद इसको लेके चलते हैं यहाँ पर और इसको हम थोड़ा छोटा करके साइड एडजस्टमेंट करते हैं, ओके। तो ये फिट हो चुका है। अब उसके बाद मॉडल को लेके चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, बाइक के हिसाब से फिट कर लेते हैं पहले। ओके गाइस, तो ये मेजरमेंट हो चुका है। अब उसके बाद हम जहाँ भी जितना भी इसको हम इरेज करना है तो इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये हो गया और हम सब इसको इरेज कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको अप्लाई लेयर मास्क कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क है, ओके, यहाँ पर डार्क है और यहाँ पर लाइट आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस वाला पार्ट को ना हम अभी इसको थोड़ा डार्क करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक न्यू लेयर लेते हैं और यहाँ पर मॉडल पर हम सेलेक्ट करते हैं, मीन क्लिक करते हैं। उसके बाद ब्लेंड मोड को हम कर लेते हैं सॉफ्ट लाइट और यहाँ पर कलर रहेगा ब्लैक रहेगा और ब्रश तो सॉफ्ट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप ओपेसिटी अपने हिसाब से कर सकते हो, मैं तो रखता हूँ अभी 30 रखूँगा। अब उसके बाद हम इसको धीरे धीरे ब्रश करके इसको डार्क करेंगे, ठीक है। Oh,
तो गाइस आप लोग देख सकते हो अभी ये हल्का हल्का रियलिस्टिक दिखने लगा है। तो अब हमको करना क्या है, मॉडल पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर जाएंगे इमेज और एडजस्टमेंट पर जाएंगे और यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद इसका इसका कॉन्ट्रास्ट जो है उसको थोड़ा हाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, जैसे कि दिखने लगे दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, अब दिख रहा है अच्छा, देन करेंगे ओके। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हो ये जो बैकग्राउंड है वहाँ उसका कलर कुछ डिफरेंट है और मॉडल का कलर डिफरेंट है, तो उसको हम मिक्स करने के लिए एक न्यू लेयर लेते हैं, देन यहाँ पर हम मॉडल को सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंड मोड को हम कलर पर रखेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर कलर पिकर पर जाके इसको हम ये वाला कलर सेलेक्ट करेंगे जो मिट्टी का ब्राउन कलर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर इसको सॉलिड कलर पर जाएंगे, देन ये अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसका फिल को हम कम करेंगे, बीच तक सही है, ओके। अब देख सकते हो अभी ठीक लग रहा है, देन उसके बाद और एक न्यू लेयर लेंगे और मॉडल पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओवरले ब्लेंड मोड को रख देते हैं ओवरले पर। अब उसके बाद ये वाला कलर को हम वाइट रखेंगे और यहाँ पर हम हल्का हल्का हाईलाइट लेंगे, ओके। अब सही लग रहा है। अब उसके बाद हमको यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, देन एक न्यू लेयर लेंगे और इसका ब्लेंड मोड भी रखेंगे हम सॉफ्ट लाइट पर और ये बैकग्राउंड पर जो ट्रायर वगैरह और नीचे जो है उसको भी हम थोड़ा डार्क करेंगे, तो हम ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे और ओपासिटी को 30 रखेंगे। अब उसके बाद इसको भी हम डार्क करेंगे, ओके। तो गाइस ये हो गया। अब उसके बाद एक बात तो आप नोटिस कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मेरा हाथ है ना उसका शेडो भी यहाँ पर रहना चाहिए, तो पहले हम इसको हम शेडो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश को हार्ड ब्रश सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओपासिटी को 100 रखेंगे और ब्लैक कलर चूज़ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हम शेडो जैसे ड्रॉ करेंगे, ओके। ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके फिल को हम कम करेंगे, इतना तक रखेंगे, 60 तक रखेंगे, ओके। अब थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पर शेडो का। और उसके बाद यहाँ पर जो हेयर है ना वहाँ पर थोड़ा ब्लू कलर दिख रहा है, तो उसको भी हम थोड़ा पहले कलर को सही करेंगे। तो हमको पहले न्यू लेयर लेना है, देन मॉडल पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको भी कलर पर रखेंगे और ये वाला कलर ही देंगे ब्राउन कलर, और ओपासिटी को हम कम रखेंगे, जितना हमको चाहिए उतना कम रखेंगे। अब उसके बाद इसको जो जहाँ पर ब्लू है ना वहाँ पर हम इसे कलर करेंगे, ठीक है, ओके। अब सही है। अब उसके बाद इसको और भी रियलिस्टिक करने के लिए तो हमको यहाँ पर बैकग्राउंड पर हम सेलेक्ट करना है और फिल्टर पर जाएंगे और यहाँ शार्पन पर अनशार्प मास्क पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा हम डिटेल देंगे, डिटेल थोड़ा और भी अच्छा लुक आए, उसको शार्प रखेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे ओके, 138 तक रखेंगे इसका अमाउंट को, शार्पनेस का। अब उसके बाद मॉडल पर क्लिक करेंगे और उसको भी हम शार्प देंगे, ठीक है, और इसको भी सेम टू सेम रखना है, जितना ये वाला है ना सेम टू सेम लगना चाहिए, ठीक है, दोनों क्वालिटी सेम रखना चाहिए, और उसके बाद हो जाने के बाद ओके कर देना, ठीक है, ये हो गया।
और उसके बाद और एक न्यू लेयर लेंगे, देन इसका ब्लेंड मोड रखेंगे हम स्क्रीन पर, और अभी कलर हम चूज करने वाले हैं वाइट कलर, और ओपासिटी को 10 रखेंगे, और यहाँ से जो सन का जो लाइट है वो वाला क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हल्का हल्का स्लाइटली करना है, ओके। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये हो गया। अब उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ मर्ज विजुअल मतलब मिक्स कर लेते हैं एक साथ, ओके। और आप लोग देख सकते हो ये जो बाइक का जो लाइट आया है, ठीक है, और मेरे बॉडी पर भी जो लाइट आया है ना, वो सब मैं कभी दूसरे वीडियो पर एक्सप्लेन में बताऊंगा, ठीक है, सब एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, और अभी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा बताने से, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा इसके बारे में, स्पेशली इसके बारे में बनाऊँगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको जाना है इमेज पर, और यहाँ पर हमको जाना है ये कप्स पर जाना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो RGB कलर उसको रेड पर रखेंगे, देन इसको हम नीचे से ड्रैग करेंगे, ओके, ये हो गया। अब करेंगे ओके, और फिर से हमको जाना है इमेज एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस पर जाना है, उसके बाद इसको भी थोड़ा हल्का सा कॉन्ट्रास्ट को आगे लेके चलना है, ठीक है, हल्का मतलब 15 सही है। अब कर लेते हैं ओके। अब उसके बाद और एक न्यू लेयर लेंगे, देन यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड रखेंगे सॉफ्ट लाइट, और इसका कलर रहेगा ब्लैक। अब उसके बाद इसको हम ऐसे हल्का सा स्काई पर भी ब्लैक करेंगे, ओके। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये सिंपल सा फ़ोटो को हमने रियलिस्टिक फ़ोटो बना चुके हैं, और आप भी अगर ऐसा एडिटिंग सीख सकते हो और मतलब कि कर सकते हो तो मुझे ज़रूर टैग करना और मैसेज भी करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग बहुत सारा लाऊँगा, बहुत सारे रियलिस्टिक एडिटिंग वाला ट्यूटोरियल लाऊँगा, और प्लीज़ आप लोग वेट करना और मुझे सपोर्ट भी ज़रूर करना, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।